हे गाइस, माय नेम इज वीरेन सिंह, वेलकम टू दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। तो आज का ये वीडियो जो है, इसमें मैं बताने वाला हूँ कि मैं कौन से सेटअप का यूज़ करता हूँ अपने टीचिंग वीडियोस को बनाने के लिए, इस यूट्यूब चैनल के लिए या लेक्चर को डिलीवर करने के लिए। तो कई लोग जानना चाहेंगे कि कौन से कैमरा क्या क्या यूज़ करता हूँ, क्योंकि इसके बाद अगर मैं जो सॉफ्टवेयर्स बताऊँगा या जो चीज़ें बताऊँगा उसमें वो अच्छी समझ में आएंगी कि कौन से टूल के लिए किस या किस पर्टिकुलर सेटअप के लिए किस तरीके के सॉफ्टवेयर्स यूज़ होते हैं। तो दिस इज़ जस्ट एन ओवरव्यू ऑफ माई सेटअप। इस वीडियो को इंटक देखिए, अगर अच्छा लगे तो शेयर करिए, जिससे कि कई सारे लोग भी इस वीडियो से हेल्प ले सके या वो देख सके कि मैं किस सेटअप को यूज करता हूं अपनी क्लासेस को लेने के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक मैं एक व्यू है मेरे टेबल का, दैट आप देख सकते हैं कि मैं अपने टेबल को कुछ इस तरीके से अरेंज किया हूं, जहां पे ये कुछ कोट्स मैं लिखा हूं, दैट पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू, बिलीव दैट यू कैन एंड यू आर हाफ अवे देयर, एंड ऑलवेज लुक ऑन द ब्राइटर साइड ऑफ लाइफ एंड नेवर नेवर गिव अप, एंड यू मस्ट लिसन टू योर हर्ट एंड फॉलो इट और इट विल बी इन अ मिलियन वेज टू रिमाइंड यू दैट देयर इज अ समथिंग मिसिंग। तो ये जो है कुछ ऐसे और भी हैं, इसके अलावा ये है इट इज़ ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन, एंड ये कुछ गिफ्ट्स एंड ऑल हैं जो यहाँ पे पॉट्स एंड फ्लावर्स, दिस इज़ वन ऑफ माई डायरी एंड स्पेक्स इज देयर, एंड लेट्स स्टार्ट विद द लैपटॉप हियर, लाइक दिस इज़ माई लैपटॉप, यू कैन सी ये मेरा लैपटॉप है, और लैपटॉप ये है डेल इंस्पिरॉन 5557 मॉडल। ये मॉडल i3 प्रोसेसर 10th जनरेशन के साथ आता है और ये इतने प्रोसेसर्स पे भी काम कर सकते हैं। इस लैपटॉप की कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली जो है 50,000 है। मैंने इसमें SSD लगवाया है और RAM भी इसकी बढ़वाई है, तो कॉस्ट जो है वो थोड़ा सा आपको ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा मैंने इसके नीचे कूलिंग पैड को लगा रखा है, इफ़ यू कैन सी हियर कि ये जो है कूलिंग पैड आपको स्पेसिफिकली क्या करता है कि एयर प्रोवाइड करता है, जिससे कि लैपटॉप जो है वो थोड़ा सा ठंडा रहे, और कहते हैं कि जो नॉर्मल कहते हैं कि टेम्परेचर मेंटेन रहे, ताकि लैपटॉप ज़्यादा हीट ना हो। इसके अलावा मैं जो है ये वायरलेस कीबोर्ड यूज़ करता हूँ, क्योंकि टेबल से यहाँ से लेके वहाँ तक जाके टाइप करने में काफ़ी इशू होता है, तो हम क्या करते हैं कि वायरलेस टेबल में यूज़ कीबोर्ड एंड माउस यूज़ करता हूँ, सो दैट मैं आसानी से चीज़ों को ऑपरेट कर पाऊँ। ये अप्रॉक्सीमेटली ये है कीबोर्ड, मतलब वायरलेस माउस एंड कीबोर्ड। इसके अलावा दिस इज़ माई राइटिंग टैबलेट, दैट इज़ वैकम टैबलेट। इस टैबलेट का यूज़ करता हूँ मैं लिखने के लिए, जहाँ पे वैकम के पेन का यूज़ किया जाता है, दिस इज़ पेन, इस पर हम लिखते हैं यहाँ से, जो कि स्क्रीन पे विजिबल होता है, ये वैकम का टैबलेट है। इसके अलावा मेरे पास ये एक पॉडकास्टिंग माइक है, दैट इज़ फ्रॉम द, ये पॉडकास्टिंग माइक मुआनो का है, अगर आप देख सकते हैं तो ये मुआनो का पॉडकास्टिंग माइक है जो मैं यूज़ करता हूँ, और इसके अलावा कॉलर माइक भी यूज़ करता हूँ, कॉलर माइक जो है वो भी मुआनो का ही है। ये पॉडकास्टिंग माइक अप्रॉक्सीमेटली 4,000 के आसपास आता है, और कॉलर माइक 1,000 से 1,500 आता है, तो जो भी आपको सूटेबल लगे आप ले सकते हैं फॉर बेटर वॉइस क्लैरिटी। एंड इसके अलावा ये पर्टिकुलर वायरलेस कीबोर्ड आपको 500 से 600, इवन इससे सस्ते भी मिल जाते हैं। राइटिंग टैबलेट अप्रॉक्सीमेटली 10,000 वैकम का आता है, इससे सस्ते में अगर जाना चाहे तो 2,000 से 3,000 में वीका का वैकम जो राइटिंग टैबलेट है वो मिल जाता है। लैपटॉप आप इससे, इसके अलावा दूसरे लैपटॉप्स को भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप जो है ऐसे लैपटॉप्स पे जाएं, या आपको i3 या i9 या i7 जनरेशन वाला ही लैपटॉप चाहिए, ये भी ज़रूरी नहीं है। और अगर आप मेरे वेबकैम को देख पा रहे होंगे तो दिस इज़ माई वेबकैम लॉजिटेक 922, दिस इज़ वेबकैम लॉजिटेक 922 है। ये वेबकैम जो है अप्रॉक्सीमेटली 10,000 के आसपास आता है, अमेजन पे इजीली अवेलेबल। इसके अलावा ज़रूरी नहीं कि आप ये वेबकैम यूज़ करें, आप कोई और वेबकैम भी यूज़ कर सकते हैं फॉर योर कॉल रिकॉर्डिंग, आप रिकॉर्ड करने के लिए और कोई भी वेबकैम का सहारा ले सकते हैं। सस्ते में सोनी का वेबकैम आता है 2,000 से 2,500 में, सो वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास ये JioFi मैं यूज़ करता हूँ फॉर इंटरनेट कनेक्शन एंड ऑल, एंड सैनिटाइजर्स पड़ा हुआ है मेरे पास, जस्ट टू सैनिटाइज कि हाँ चीज़ें सही चल रही हैं। दिस इज़ DSLR, ये पड़ा हुआ है कुछ कभी कभी फोटोज़ एंड ऑल क्लिक करने के लिए, सो दिस इज़ जस्ट अ सेटअप। इसके अलावा अगर मैं आपको लाइटिंग का सेटअप दिखाऊं, तो मैं अगर क्लासेस के ऊपर बात करूं तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है OBS यहाँ पे रनिंग है, इसी के थ्रू हम YouTube पे लाइव जाते हैं, या जितने भी वीडियोस होते हैं वो सारे रिकॉर्ड हो रहे होते हैं। यहाँ पे देखिए अभी भी इस रिकॉर्डिंग जो है वो आपको ऑन मिल जाएगी, कि व्हेन यू सी दैट, देखिए यहाँ पे आपको ये पर्टिकुलर केस में ये रिकॉर्डिंग जो है यहाँ पे चल रही है, सो
दिस इज़ योर OBS वन। एंड इसके अलावा जो है आपके कई अलग अलग सॉफ्टवेयर्स को मैं यूज़ करता हूँ और उनको अप्लाई करता हूँ। सो दिस इज़ द केस जो कि आप देख सकते हैं। एंड डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स लाइक आई यूज़ PDF एनोटेटर, दिस इज़ योर PDF एनोटेटर। ये जो है PDF एनोटेटर का सॉफ्टवेयर है, मैं इसको PDF पे लिखने के लिए या एडिट करने के लिए जो भी है, इट इज़ अ वेरी गुड PDF एडिटर। एंड किसी भी पेज को डिलीट करना, ऐड करना, ट्रांसपेरेंट करना, बहुत सारी चीज़ें इसमें टूल्स है, मर्ज करना, आप इस सॉफ्टवेयर से मर्ज कर सकते हैं, किसी वेबसाइट की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको डिटेल में बताऊँगा इन सब सॉफ्टवेयर्स को, चाहे PDF एनोटेटर हो। मैं वीडियो एडिटिंग के लिए फिल्मोरा का यूज़ करता हूँ, इस फिल्मोरा के लिए मैं भी आपको बताऊँगा कि कैसे आप फिल्मोरा का यूज़ करते हैं वीडियो एडिटिंग के लिए। फोटोशॉप है, चाहे आपका टीम वीवर हो, बहुत सारे सॉफ्टवेयर से ऑडासिटी हो, एक ओपन बोर्ड का टूल भी आता है जो मैं यूज़ करता हूँ। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ओपन बोर्ड को भी हम लेते हैं, और ऑडासिटी आप ऑडियो को थोड़ा सा और इन्हांस करने के लिए जब आप पोएट्री या चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं तो वो चीज़ें चलती हैं। सो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। तो जैसा आपने देखा ये एक छोटा सा सेटअप है, इस छोटे से सेटअप में आपके पास एक माइक होनी चाहिए फॉर बेटर वॉइस क्लैरिटी, एक आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, एक कीबोर्ड आप लैपटॉप का भी यूज़ कर सकते हैं, आपको वायरलेस लेने की ज़रूरत नहीं है, एक आपके पास राइटिंग टैबलेट होनी चाहिए और वेबकैम जरूर होना चाहिए, क्योंकि लैपटॉप का वेबकैम उतनी क्वालिटी आपको नहीं दे पाता, क्यों अभी मैं बात करूँगा। सो ये देखिए, ये है ओपन बोर्ड का सेटअप, आराम से यहाँ पर कुछ भी आप ड्रॉ कर सकते हैं एंड लिख सकते हैं। कैसे ऑपरेट करते हैं इसको, हम इस पर बात करेंगे। जैसे मेरे पास ये राइटिंग पेन है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे सो कुछ भी आप लिखेंगे तो यहाँ पे आपको विजिबल होगा। अगर मैं अपना नाम लिखूँ VIREN, ये विजिबल है। ई लर्नम का नाम लिखूँ तो ये आपको यहाँ से इस तरीके से चीज़ें जो हैं आप विजिबल देख सकते हैं। सो ये चीज़ें आपने देखी। एंड इसके अलावा जो है अगर देखने की कोशिश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए ये लैपटॉप है। इसके अलावा जो है दिस इज़ माय कैमरा सेटअप, कैमरा यहाँ पे है। कैमरा के बाद दिस इज़ लाइट, ये फेस लाइट है जो कि एक रिंग लाइट है, इसको लोग टिकटॉक पे वीडियोस बनाने के लिए ज़्यादा यूज़ करते थे, बट यस यू कैन यूज़ इट एंड इसको आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत कॉस्टली नहीं है, आसानी से 1000 के आसपास अवेलेबल होता है। इसमें मैं मोबाइल वगैरह भी माउंट कर सकता हूँ खड़े होकर रिकॉर्ड करने के लिए, और जब खड़े होकर रिकॉर्ड करते हैं तो कैमरे को हम यहाँ पे सेट करते हैं तो जिससे जो फेस का वो होता है वो ज़्यादा अच्छा आता है। लाइट को अगर और देखा जाए तो ऊपर मैंने एक ट्यूबलाइट को इस वर्टिकली ऐसे सेट किया हुआ जिससे प्रॉपर लाइट जो है मेरे फेस पे आए, तो ये कंडीशन आपके साथ अवेलेबल होती है। इस तरीके से मैंने सेट किया हुआ है और मैं इस चेयर का यूज़ करता हूँ। ये चेयर थोड़ा सा बैक सपोर्ट के लिए काफ़ी अच्छा रहता है और आप देख पा रहे होंगे कि दिस इज़ माई सेटअप। इस तरीके से मेरा सेटअप आपका विजुलाइज होता है। एंड इस सेटअप में पीछे मैंने ये स्टैंड के ग्रीन स्क्रीन को माउंट कर रखा है। ग्रीन स्क्रीन को माउंट करने का रीज़न है कि जब भी हम, या ये वेबकैम यूज़ करने का रीज़न है कि जब भी हम कोई भी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो पीछे चीज़ों को ट्रांसपेरेंट करने के लिए, जिसको क्रोमा सेटअप बोलते हैं, तो ग्रीन स्क्रीन का वो चीज़ यूज़ होता है। तो दिस इज़ माई सेटअप, यू कैन सी दिस इन दिस सिनारियो। तो इस तरीके से दिखता है। ये है आपका सबसे बाहर की तरफ ये लाइट है, ट्यूबलाइट जो जल रही थी। इसके अलावा ये है आपके रिंग लाइट एंड जो कि फेस पे आपको प्रॉपर लाइट देती है, ज़्यादा आंखों में चुभता नहीं है, इसलिए इस लाइट का मैं यूज़ करता हूँ। एंड कुछ मैंने डेकोरेटिव पर्पज से लगा रखा है और कुछ ग्रीनरी लगा रखी है क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, एंड कुछ कोट्स एंड ऑल। ये है फैन जो मुझे फेस पे हवा देता है। एंड ये आप अपने अपने, अगर आप AC अफोर्ड कर सकते हैं AC लगाइए, फ़ैन अफोर्ड कर सकते हैं फ़ैन लगाइए, जो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं उस तरह से आप सेटअप कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज जाननी है तो आप पूछ सकते हैं।